एक शख्स कहता है मेरा बाप बड़ा गुनहगार था, मैंने कुछ लोग कफन देके उसे दफन किया, रात को ख्वाब में अपने बाप को देखा, ताज्जुब तब हुआ जब मैंने अपने बाप को जन्नत में देखा। मैंने कहा बाबा आप तो बड़े गुनहगार थे, आप तो बड़े खताकार थे, आप जन्नत में क्या कर रहे हैं? उसने कहा मेरे लाल 3 दिन तक मेरी कब्र में आग जल रही थी, 3 दिन तक मुझ पर फिशार कब्र अजाब कब्र में मुबतला था, लेकिन 3 दिन के बाद कुछ कब्रें छोड़कर एक नेक खातून को दफन किया गया, जिसकी आने के बाद पूरे कब्रिस्तान में जिन जिन पे अदाब हो रहा था उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगी। फरमाया नूर बरस रहा था। कहा बाबा ये कैसा नूर था? कहा जैसे उसको दफन किया पहली रात भी, दूसरी रात भी, तीसरी रात भी उसकी कब्र में हुसैन इब्ने अली आते थे। फरमाया जब उस खातून ने मेरे अदाब को देखा, फरमाया उसके दिल में रहम पैदा हुआ, और जब इमाम हुसैन उसकी कब्र में आए उसने कहा मौला मुझ पर तो रहमतें हैं, लेकिन ये भी आपका चाहने वाला है, इसकी कब्र में अजाब हो रहा है, मैं चाहती हूं मेरी खातिर आप इसकी शफाअत कर दें। कहा उस वक्त इमाम ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, मेरा अजाब खत्म हुआ। कहा बाबा वो खातून कौन सी थी? कहा उसका नाम ये था, इसके शोहर का नाम ये है, फला मोहल्ले में रहती थी। ये नींद से उठा, उस मोहल्ले में गया, उस शख्स का नाम पूछा। कहा फला खातून आपकी जौजा थी? कहा। कहा उसका कौन सा ऐसा अमल था? क्या वो बहुत ज्यादा नमाजी थी? कहा नहीं, सिर्फ वाजिबात पे अमल करती थी। कहा बहुत ज्यादा कुरान पढ़ती थी? कहा नहीं, मुख्तसर कुरान पढ़ती थी। कहा कोई उनका खास बहुत ज्यादा जिक्र था? कहा नहीं, एक आम सी जिंदगी गुजारती थी, लेकिन अखलाक की अच्छी थी। उसने कहा इतना पूछ क्यों रहे हो? इसने सारा वाकया बताया कि आपकी जोजा की खातिर मेरे बाप की शफात हो गई, कोई तो ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से इमाम हुसैन उसकी कब्र में गए। तो फरमाया एक अमल था जो कसरत से किया करती थी। कब वो कौन सा अमल था? फरमाया रोजाना ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी। ये मकाम अस्करूनी अस्करूं है। कहे हमारे चाहने वालों तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। मुझे आप के कातिल ने ऐ मारा।